ओछा मीनपुरी कस्बा के प्राचीन चयनवन ऋषि आश्रम परिसर में भाजपा द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने भाग लिया, जिन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित में कार्यों को गिनाया। तो वहीं कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने क्षेत्र से आए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों को बेहतर बीज, खाद व कृषि यंत्र प्रदान कर रही है, जिससे किसानों की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज प्रदेश का किसान खुशहाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा सबसे पहले किसानों की समस्या को सुनते हैं। प्रदेश में किसानों की को सम्मान निधि समय पर किसानों के खाते में पहुंच रही है। पिछली सरकारों में किसानों को खाद बीज के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन आज सरकार ने लाइनों को समाप्त कर दिया। किसानों को खाद बीज समय पर बगैर लाइन में लगे मिल रहा है। सम्मेलन के मध्य में कृषि राज्य मंत्री ने सम्मेलन में लगी विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को नई नई जानकारी मिलती है, जिससे किसानों को फसल उगाने में मदद मिलती। सम्मेलन को प्रशांत पूनिया क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा ब्रज क्षेत्र घनश्याम पटेल प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा ने भी संबोधित किया। मंत्री जी, किसान सम्मेलन में पहुंचे हैं, चुनाव से ठीक पहले सम्मेलन रखा गया है, क्या माना जाए कि राजनीतिक सम्मेलन है? ये अलग बात है कि यहाँ पर चुनाव भी है, तो उसमें कोई फर्क नहीं। हम तो किसानों की बात करने हैं, किसानों के वो करने आए हैं, और किसानों को जो सरकार की तरफ से सहूलतें मिली उनको बताने आए हैं, तो सरकार उसको किसानों को जानकारी भी देने आए कि अपने फसलों को किस तरह से आप अच्छी तो फसल उगा सकते हैं। और जहाँ तक हम राजनीतिक लोग हैं, अगर चुनाव है तो हम चुनाव की बात करते हैं। उनको सोचना चाहिए किसानों को, किसानों को इस बारे में सोच के हम लोग। मंत्री जी, खाद की आपने बात की है, अभी हमने देखा है कोटिया कंचन नगला लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ की खाद ओछा पर बांटी जा रही है, किसानों की बहुत बड़ी समस्या हो रही है सड़क के कारण। आप देखिए, एक्चुअली मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ पर सरकार किसी की भी नहीं होगी। बहुत लंबे समय से माननीय यहाँ की जिले का मंत्री का नेतृत्व माननीय मुलायम सिंह ने करा, उनके बेटे ने करा, उनकी बहू ने करा, तो यहाँ पर जो सड़कों की हालात देख के ये लग रहा है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ ना करने का काम किया है। जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो बहुत सारी योजनाओं को, बहुत सारी सड़कों को, और अब भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कोई ऐसी सड़क नहीं बचेगी जो बिल्कुल अच्छी सड़क ना हो। बहुत अच्छी सड़कें हम लोग बनाएंगे तरल की। और आपने खाद का सवाल पूछा, खाद की कोई कमी नहीं किसान को, मैं कहना चाहता हूँ। मैंने कहा भी है, चाहे DAP हो, चाहे NPK हो, किसी भी तरीके से किसान को खाद पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं। अरे ठीक है, अच्छा मंत्री जी, किसान सम्मेलन में पहुँचे, किसानों के लिए क्या कुछ खास क्योंकि सरकार कर रही है और यहाँ इतना बड़ा मेला भी लगवाया है, करैल में उपचुनाव भी है, क्या माना जाए इस तरीके का कार्यक्रम? देखिए, किसान यहाँ पर मिला है, किसानों को यहाँ पर बहुत सारी जानकारी देने के लिए अलग अलग स्टाल लगे हैं, चाहे खाद का हो, बीज का हो, दवाइयों का है, तो जो फसलों का है, सब्जियों का है, सबके यहाँ पर स्टाल लगे हैं। किसानों को यहाँ पर जानकारी देने के लिए आप इससे कितना बेहतर और कर सकते हैं। जहाँ तक आपने पूछा सवाल खाद का, खाद की हमने बताया कोई कमी खाद की नहीं, हर जगह हर सोसाइटियों में हर जगह सरकारी दुकानों पर खाद है, कोई खाद जो भी किसान लेना चाहे, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है जो फसल है, मूंगफली की फसल है, यहाँ पर आलू की फसल है, यहाँ पर ज्वार बाजरा की फसल है, यहाँ पर धान और गेहूँ के भी, तो कोई भी किसी तरीके से कोई भी खाद की, चाहे NPK हो, चाहे DAP के हो, चाहे फॉस्फेट हो, या कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे खाद। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि किसान जो है त्राहिमाम कर रहा है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, किसान परेशान है, उसकी फसलों की कीमतें सही नहीं मिल रही हैं। देखिए, जिस तरह से मैं कहना चाहता हूँ, आप पूरा इतिहास उठा के देख लें 2014 के बाद, जिस तरह से फसलों की MSP माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में MSP बढ़ी है, उससे पहले का आंकलन कर लीजिए, जस्ट 2014 के बाद दुगना दुगना हुआ है।
और एक बात आपको बता दूं, माननीय उत्तर प्रदेश के योगी जी के नेतृत्व में लगातार चाहे धान की फसल हो और चाहे गेहूं की फसल हो और चाहे मूंगफली हो चाहे ज्वार बाजरा हो, सारे के सारे जो भी MSP की योजना है उनका फसल किसानों को उठाया जा रहा है, किसानों को उसको DBT के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है। किसान कोई परेशान नहीं है। आप पिछला इतिहास इनके देखें, इनके पास क्या है बोलने। आज मैं आया हूँ यहाँ पर मैनपुरी में, तो मैं देख रहा हूँ कैसे क्या हालात है यहाँ पे लोगों के, और इससे पहले क्या हालात थे, ये आपको सोचने का विषय है। करेल में उपचुनाव है, आप लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं किसी ना किसी बहाने से। देखिए यहाँ के जनमानस ने जितना यहाँ पर